स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पर पहले भी हमने डिस्कस करा है कि व्हेन अ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द अदर आयन्स और एटम्स। ड्यू टू सो इट्स रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, बिकॉज जब ये कंडक्टर हीट अप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के रेंडम मोशन बढ़ जाते हैं, लेकिन नेट स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और ये होता है कंडक्टर में। एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था पहले कि रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इजिकल्स टू फार्मूला आता है रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट, वेयर रो टी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस एंड रो नॉट इज द रेसिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है। सिमिलरली एक फार्मूला रेसिस्टेंस के लिए आर टी इजिकल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। बच्चों, इन पर थ्री टाइप्स के ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, आप 10 ईयर देखोगे मेनी टाइम्स ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इनके तीन ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फॉर कंडक्टर्स मीन्स मेटेलिक कंडक्टर्स लाइक कॉपर सिल्वर अल्मोनियम एटसेट्रा। इनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लार्ज वैल्यू। अगर हम यहाँ पर देखें, इक्वेशन में देखें, ये पॉजिटिव वैल्यू है, चेंज इन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इधर रेसिस्टिविटी, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर, और हम लोग देखते क्या है कि जो ग्राफ है मेटल के लिए वो स्ट्रेट लाइन तो आता है, लेकिन फॉर सर्टेन रेंज के लिए यहाँ से कर्व हो जाता है, इसको आना चाहिए जीरो से, लेकिन जीरो नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इज 273 K एंड दिस वन इज रो नॉट ये आ गया। ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा करके, आगे जा करके जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन रेंज तक ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में भी है। तो ये किसके लिए ग्राफ है, कंडक्टर के लिए, यानी मेटल के। सेकेंड ग्राफ है फॉर एलॉयज में, जैसे मैंगनीन कॉन्स्टेंटेन मैंगनीन कॉन्स्टेंटेन एटसेट्रा, इन सब के लिए जो अल्फा की वैल्यू है पॉजिटिव तो होती है, बट स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उस हिसाब से रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होता और वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता। सो इट कैन बी शो विद द स्ट्रेट लाइन, यहाँ टेम्परेचर है इन केल्विन एंड रो, यहाँ पर रो नॉट, और ये स्ट्रेट लाइन शो करता है। ये इसका मतलब ये हुआ
कि ज़्यादा वेरिएशन रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस में नहीं होता। ड्यू टू सो दीज एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल में ये यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस पर कि मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन आर यूज फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल, तो हम कहेंगे बिकॉज इट हैज़ स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा। एंड थर्ड है, थर्ड है इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स लाइक सिलिकन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर माइनस यानी निगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा रो टी इजिकल्स टू रो नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर आप देखो कि डेल्टा टी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रो एंड टी और चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन ले सकते हैं। और ये ग्राफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी कम होगा और इसको घटाते हैं तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम तीन ग्राफ यहाँ पर हमने बनाया था रेसिस्टिविटी के लिए, आप रेसिस्टेंस के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और सिमिलर ग्राफ होगा। देयर इज नो चेंज बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी फॉर द ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, फॉर एनी प्रॉब्लम और क्वेरीज कमेंट बिलो, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।